स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों मोदी जी का एक और चौंकाने वाला फैसला, मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह चौहान के युग का हो गया है अंत और अब उन्हें मार्गदर्शन मंडल में जाना होगा या फिर कोई कैबिनेट का पोस्ट मिलेगा ये अभी पता नहीं, पर उनका अब एक तरीके से उनके करियर का अंत हो चुका है कह सकते हैं आप, क्योंकि अब वो सीएम नहीं रहे और आने वाले समय में वो हो सकता है कि राज्यपाल बनाए जाए कहीं का या फिर कैबिनेट में कोई मंत्री पद उन्हें मिले, तो देखते हैं जो भी हो उस पर भी अपडेट देंगे। पर आज का न्यूज है मोहन यादव ये होंगे मध्य प्रदेश के नए सीएम, इस पर बात करेंगे, वीडियो भी दिखाएंगे, तमाम जानकारी देंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो में, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। दो डिप्टी सीएम होंगे, शिवराज ने इस्तीफा सौंप दिया है, यादव ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं, भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सोमवार को पार्टी विधायक दल के बैठक में उनका नाम पर मुहर लग गई है। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। शिवराज सिंह चौहान उनके नाम का प्रस्ताव रखा जिनका सभी विधायक ने समर्थन किया। दोस्तों ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। प्रदेश में दो डिप्टी सीएम भी होंगे, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल। जगदीश देवड़ा दोस्तों और राजेंद्र शुक्ल दोनों ही डिप्टी सीएम होंगे। देवड़ा एससी वर्ग से आते हैं जबकि राजेंद्र शुक्ल रीवा सीट से विधायक हैं, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। तोमर मुरैना जिले के दमनी सीट से विधायक हैं, हालांकि डिप्टी सीएम और स्पीकर के नाम की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान पर अभी कुछ भी बताया नहीं गया है कि उनको किस जिम्मेवारी में रखा जाएगा। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक मोहन लाल खट्टर सीएम हरियाणा, उन्होंने ये रोल निभाया। डॉक्टर के लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी ओबीसी मोर्चा और आशा लाकड़ा जिन्होंने ये सब जिम्मेवारी उन्होंने निभाई। मुख्यमंत्री पद से शिवराज सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। नए सीएम के नाम का ऐलान होने के बाद शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे जहां उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। अपना इस्तीफा सौंपा उसके बाद तत्काल उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया और उसके बाद मोहन यादव ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। सीएम के रूप में नाम का ऐलान होने के बाद मोहन यादव राजभवन पहुंचे, यहां उन्होंने राज्यपाल के सामने अपना दावा पेश किया और समस्त विधायक का लेटर भी उनको दिया। फोटो सेशन में तीसरी पंक्ति में बैठे मीटिंग में सीएम के रूप में नाम का ऐलान होने के बाद चौंक गए थे मोहन यादव, हालांकि उन्हें पता होगा ये मीडिया रिपोर्ट्स है। दोस्तों वीडियो दिखा सकता हूं मैं, देख सकते हैं कि आप शिवराज सिंह चौहान उन्हें गुलदस्ता देते हुए और उन्होंने उनके पैर भी छुए, आशीर्वाद भी लिया और शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें एक तरीके से पीठ भी थपथपाई। दूसरी वीडियो में जहां आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उसके बाद उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है, तो ये राजभवन का आप तस्वीर और वीडियो देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव को गुलदस्ता देकर बधाई भी दिया और उन्होंने पैर छूकर शिवराज सिंह से आशीर्वाद भी लिया और शिवराज सिंह वहाँ खुश नजर आ रहे थे। तो आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान भी किसी बड़े पद पर जा सकते हैं। नाम सुनकर मोहन यादव को भरोसा नहीं हुआ था जब उनका नाम का ऐलान किया गया था। ऐसा ही होता है जब मोदी सरकार किसी का भी डिसीजन लेके आती है, जैसे मनोहर लाल खट्टर जो कि वहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में गए थे, उनका भी नाम इसी तरीके से आया था और छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम भी इसी प्रकार से आया है। अब आने वाले समय में क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे को मनाया जा सकेगा, क्या दूसरा वहाँ पर कोई और सीएम होगा, आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा दोस्तों जरूर लेके आऊँगा। वसुंधरा राजे अगर मान जाते हैं तो कोई इसी प्रकार से कोई नए चेहरे पर भी राजस्थान में भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है वो हर हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेते हैं नए सीएम के रूप में। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा राजस्थान का फैसला वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। न्यूज़ ऑफ द डे टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसके बाद शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली तक इस तरीके के न्यूज़ के लिए, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो मेरा एक दूसरा चैनल है स्पोर्ट्स ऑफ द डे, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए, इसमें तमाम स्पोर्ट्स से जुड़ी हुए न्यूज़ को मैं यहाँ पर भी पब्लिक करता हूँ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।